खबर लखीमपुर खीरी के नेपाल बॉर्डर से है, जहां खाद की तस्करी चरम सीमा पे है। जी हां, आपको बता दें, नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र वनवीरपुर, तिकुनिया, रणनगर समेत दर्जनों गांव के लोग तस्करी में लगे हुए हैं, जिससे जनपद में खाद के दामों में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। 266.50 पैसे की यूरिया अब 350 से भी अधिक दामों में खरीदनी पड़ती है, जिसकी मेन वजह खाद की अधिक मात्रा में तस्करी है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर लगातार तस्करी के वीडियो व फोटो लगातार वायरल हो रहे हैं, पर शासन प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। लगातार हो रही तस्करी, अब देखना यह है कि क्या जिम्मेदार इस पे लगाम लगा पाएंगे, या यूं ही चंद पैसे के बल पे देश को खोखला करते रहेंगे जिम्मेदार, आगे देखने की बात होगी। पंकज विश्वकर्मा की रिपोर्ट।